Hey lovelies, welcome back to my channel. This is Minimum Blogs and once again I'm back with a new video. So guys, ये जो आज का मेरा video है ये मैंने Amazon से बहुत ही अच्छे अच्छे affordable और बहुत ही प्यारे प्यारे से bags मंगाए हैं, उसके review के बारे में है. So आज मैं आपसे बात करूंगी उसकी quality के बारे में, उसका price और वो travel friendly है कि नहीं, इन सब चीजों के बारे में. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. बट उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, उसको ज्यादा शेयर करिएगा. और अगर आपको कोई बैग पसंद है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो गाइज, मुझे बहुत खुशी होगी. सो गाइज, हमारा जो पहला बैग है वो ये ब्लैक कलर का प्यारा सा बैग है गाइज. ये दिखने में बहुत ही ज्यादा क्लासी लग रहा है. मैं इसको देख के बहुत खुश हो गई थी गाइज, क्योंकि दिखते ही इतना ज्यादा क्लासी लगा ना मुझे, मैं क्या बताऊं. सो गाइज, इसका जो ओपन करने का पैटर्न है वो फ्लैप में है और आपको कुछ ऐसा इसका लॉक मिलता है जो कि इसमें मैग्नेट है, सो ये चिपक जाता है. सो गाइज, आप इसको ओपन करते हो तो आपको 3 कंपार्टमेंट मिलते हैं. सो गाइज, अब देखो इसको मैं आप ओपन करके आपको दिखाती हूँ. सो गाइस, ओपन करने में गाइस इसमें एक इसका हैंडल दिया हुआ है, ये आप इसको टांगने वाला है. सो आप इसको लगा भी सकते हो और निकाल भी सकते हो. सो गाइस, इसके अंदर का जो मटेरियल दिया हुआ है वो आपको पॉलिस्टर है और बाहर आपको बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट सा और बहुत ही प्यारा सा आपको लेदर मिलता है. और पीछे का जो आप देख रहे हो गाइस, ये भी आपको बाहर भी एक पॉकेट मिलता है. सो आप इसमें चिल्डर वगैरह रख सकते हो, कोई भी छोटे मोटे से सामान गाइस, इसमें भी काफी चीज आ जाएगी, बहुत छोटी भी नहीं है. और अंदर में गाइस बहुत ही ज्यादा स्पेसियस है, बहुत ही ज्यादा आप बहुत कुछ रख सकते हो. सो गाइस, मैं आपको ना इसका हैंडल लगा के भी दिखा देती हूँ कि ये कैसा दिख रहा है. सो गाइस, हैंडल लगाने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है. सो गाइस, आप इसको भी आप इसको टांगते हो तो बहुत अच्छे लगोगे. सो गाइस, जो हमारा दूसरा बैग है ये रेड एंड ब्लैक है जो कि बहुत ही अच्छा है. और इसका जो हैंडल का टाइप है वो डबल हैंडल है, आप देख सकते हो. और आगे में ऐसे इसका फेरिस्टो जो इसका ब्रांड है वो उसका नाम लिखा हुआ है एंड इसमें ऐसे ऐसे लगा हुआ है जो इसका दिखा देती हूँ मैं पीछे साइड से, कुछ ऐसा दिखता है. और आप इसको ओपन करते हो गाइस तो इसमें आपको 2 कंपार्टमेंट मिलते हैं. जो कंपार्टमेंट है वो काफी स्पेसियस है, आप देख सकते हो. और इसके अंदर आपको एक पॉकेट मिलता है कुछ इस साइड इस टाइप का. और इसमें भी आप कुछ चिल्डर पैसे रख सकते हो और पीछे भी आपको एक पॉकेट मिलता है. सो गाइस, इसको जो आप अंदर का जो इसका मटेरियल है इसका भी पॉलिस्टर ही है. एंड इसमें गाइस काफी ज्यादा, इसमें मैं बोलूँ तो इतना ज्यादा स्पेस है. मैं आपको बोलती हूँ अगर आपका बेबी है तो आप इसमें बहुत कुछ कैरी कर सकते हो, आप ट्रैवल करते हो तो काफी ज्यादा स्पेसेस है. सो गाइस, ये मुझे बैग इसलिए पसंद आया था बिकॉज इसमें का बहुत ज्यादा स्पेस है. जो आप बाहर जाते हो तो आप इसमें बहुत कुछ कैरी कर सकते हो इसलिए. एंड इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, इसके लेदर की क्वालिटी अच्छी है. तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ जो इसका प्राइस है वो आपको मिल रहा है 400 समथिंग का, मुझे अच्छे से याद नहीं है. मैं स्क्रीन पे इसका प्राइस मेंशन कर दूंगी और इसका लिंक भी मैं डाल दूंगी. गाइस, इसका एक और कलर आपको मिलता है ब्लैक एंड रेड में, जो कि इसमें रेड ज्यादा है और ब्लैक कम है. वो पूरा ब्लैक है और ये जो इसका हैंडल है वो रेड में आता है. तो ऐसे आपको 2 कलर के ही मिलते हैं. सो गाइस, जो ये वाला कलर है वो आउट ऑफ स्टॉक है, आपको सिर्फ ब्लैक वाला भी मिल रहा है, जो आप देख लेना अगर उस टाइम आ गया तो. सो गाइस, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है. तो गाइज, अब ये जो मैं आपको बैग दिखा रही हूँ वो ये बैग है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा बैग है, आप देख सकते हो. और इसमें आपको 2 हैंडल दिख रहे हैं इसके, आप देख सकते हो. और उस हैंडल में ऐसे ऐसे ना चेन लगे हुए हैं गोल्डन कलर के, ये दोनों साइड, जिससे ये बहुत ही स्टाइलिश दिख रहा है. गाइज, इसको आप ओपन करते हो इसमें आपको 2 कंपार्टमेंट मिलते हैं कुछ ऐसे. और इसके अंदर भी आपको एक पॉकेट मिलता है एंड आपको पीछे भी एक पॉकेट मिलता है. सो गाइज, ये इतना ज्यादा स्पेसियस है, मैं आपको बोलूंगी ना गाइज, अगर आप वर्क करते हो तो इसमें आपका लैपी तक आ जाएगा. गाइज, मैंने इसमें रखा है, इसमें लैपी तक आ गया है. सो बहुत ही ज्यादा स्पेसियस है. सो आप अगर कोई काम करते हो या पढ़ाई करते हो तो इसमें आप काफी चीज कैरी कर सकते हो. गाइज, का जो पैटर्न आपको दिख रहा है ये ब्राउन पैटर्न में है. और गाइज, आपको इसका ना 12-13 आपको इसका कलर मिल रहा है गाइस, काफी ज्यादा कलर में है. ऐसी
जैसे मैं बोलूँ इसी पैटर्न में आपको काफी अलग अलग से कलर मिल जा रहे हैं, और जो देख रहे हो आप ये बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है, इस टाइप से है। और गाइज इसका जो प्राइस है वो 400 का है, मैं इसका मेंशन कर दूंगी जो भी इसका प्राइस है। ये इतना अफोर्डेबल है ना गाइज, जितना इसका प्राइस है उस हिसाब से इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। बिकॉज गाइज ये आपको लग रहा होगा मैं इसको ना काफी टाइम से यूज कर रही हूँ, आई थिंक 6 मंथ हो चुके हैं गाइज, तब मैं आपको बता रही हूँ। अभी तक ये बैग बहुत अच्छे से चल रहा है, सो मुझे तो इसकी क्वालिटी अच्छी लगी, डेली यूज के लिए परफेक्ट है गाइज। सो गाइज ये हमारा आखिरी बैग है, आप देख सकते हो ये गोल्डन कलर में है, बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर है। और इसका जो हैंडल का मैं टाइप बताती हूँ आपको, ये भी डबल हैंडल है, और इसको आप ओपन करते हो गाइज तो इसमें आपको ना एक कंपार्टमेंट मिलता है। सो गाइज अगर आप इसको आप ओपन करते हो तो आपको एक कंपार्टमेंट मिलता है गाइज, और ये कुछ ऐसा है गाइज। इसको भी आप निकाल भी सकते हो, देखो आप इसको निकाल के साइड में, मैं इसको रख देती हूँ अभी, और आप इसको ओपन करते हो ये झोले के टाइप से बन जाता है, आप देख सकते हो। आप इसमें भी कुछ भी लाभी और भी कोई भी चीज डाल के आप इसको ले जा सकते हो, और इसके अंदर आपको एक इसका स्ट्राइप मिल रहा है, आप इसको भी लगा के यूज कर सकते हो ऐसे टांग के, और तो आपको दोनों का मजा मिलेगा। गाइज बाहर और अंदर दोनों साइड में आपको कोई भी पॉकेट नहीं मिलता है, आपको एक यही कंपार्टमेंट मिलता है गाइज। सो ये मैं बताती हूँ, आप बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश है गाइज, और जिसका प्राइस है वो आपको 1200 है आई थिंक, मैं ना इसका मेंशन कर दूंगी। और गाइज ये ना जब मैंने लिया उसके बाद से ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया, सो जब भी ये आएगा तो मैं इसका लिंक डाल दूंगी। बट इससे मिलता जुलता जो कि मेरी दी ने भी लिया हुआ है वो भी बिल्कुल इस टाइप से ही है, मैं उसका भी पिक्चर डाल दूंगी स्क्रीन पे कहीं पे, और उसका लिंक मैं डाल दूंगी। अगर आपको ये पसंद है तो आप उसको भी ले सकते हो, बिकॉज वो भी बिल्कुल इसके टाइप का ही है। अगर इसका लिंक आएगा तो मैं वो भी डाल दूंगी गाइस। सो मुझे इसका क्वालिटी बहुत पसंद आया गाइस, और अंदर की जो इसकी क्वालिटी है वो भी बहुत ज्यादा अच्छी है, आप देख सकते हो ये थोड़ा अलग सा है और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है गाइस, सो मुझे तो बहुत पसंद आया, बहुत ही ज्यादा अच्छा है क्वालिटी वाइज, और बहुत ही ज्यादा आपको देता है ये अच्छा सा लुक। ये गोल्डन है, किसी भी ड्रेस पे बहुत अच्छे से जाएगा, आप वेडिंग में जाओगे गाइस तो बहुत अच्छे लगोगे, आप इसको वेडिंग में भी कैरी कर सकते हो और आप ट्रैवल में भी इसको कैरी कर सकते हो, बिकॉज बहुत ही ज्यादा एलिगेंट सा ये लुक देता है। सो गाइस ये तो मेरा फेवरेट बैग है गाइस, मुझे बहुत पसंद आया। सो जो इसका रेंज है उस हिसाब से गाइस की क्वालिटी काफी अच्छी है, सो इसलिए इतने मतलब काफी ज्यादा ये थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है, बट क्वालिटी वाइज ये है, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी होती। सो गाइस मेरा रिव्यू हो चुका है, अगर आपको कोई भी बैग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आपको कोई भी बैग पसंद आए तो आप प्लीज मुझे बताइएगा, और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, आपकी एक लाइक से बहुत ही ज्यादा हमें कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता है। सो गाइज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं गाइज। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।